नमस्कार जूनियर्स मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया सर आईपी यूनिवर्सिटी ना कुछ स्कैम्स कर रही है और ये यूनिवर्सिटी नहीं ये कुछ कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटी के जो आप लोगों के साथ बच्चों के साथ स्टूडेंट्स के साथ स्कैम कर रहा है कौन कौन से कॉलेजेस हैं ये थोड़े ना मैंने वर्स्ट कॉलेजेस भी डाले थे अपनी वीडियोज के अंदर मतलब मैंने दो पार्ट्स बनाए थे जिसके अंदर मैंने आप लोगों को वर्स्ट कॉलेजेस बताए थे बट बत ये कॉलेजेस अपने उन हरकतों से भी गिर गए हैं मतलब बहुत ज्यादा गलत हरकतें कर रहे हैं क्या स्कैम कर रहे हैं बच्चों के साथ आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ शुरू करते इस वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट और लॉस के सर वैसे तो मैंने इस पर पहले कुछ वीडियोज रखी और इस साल भी बनाई थी पिछले साल भी बनाई थी कि आईपी यूनिवर्सिटी के ना कुछ ऐसे खराब कॉलेजेस हैं जो आप लोगों के साथ में स्कैम करने की कोशिश करते हैं और मैंने इस साल वर्स्ट कॉलेजेस वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने कुछ कॉलेजेस की रैंकिंग आप लोगों को बताई थी और रैंकिंग के हिसाब से मैंने बताया था कि कॉलेजेस के अंदर स्टाफ नहीं है टीचर नहीं है यार देखो अगर ये कॉलेज के अंदर आप लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलती स्टाफ अच्छा मिलता है तब भी बच्चे कॉम्प्रोमाइज करके काम चला लेते हैं कि चलो ठीक है भाई टॉयलेट नहीं जाएंगे चलो ठीक है भाई पानी अपना घर से लेके आ जाएंगे ठीक है लेकिन मतलब ए नहीं होगा चलो कोई बात नहीं भाई पंखे में बैठ के पढ़ लेंगे लेकिन स्टाफ अच्छा होगा तो हम फिर भी कॉपरेट कर लेते हैं लेकिन कुछ कॉलेजेस के अंदर उल्टा होता है चलो आप लोगों को फैसिलिटीज मिली टीचर अच्छे नहीं है उसमें फ्रस्ट्रेट इरीटेट या फिर वहां से बच्चे करने आते हैं विड्रॉल तो जितने बच्चे विड्रॉल कर लेते या फिर मैक्सिमम बच्चे वहां पर एडमिशन लेते ही नहीं है जो बच्चे वहां पर जा रहे एडमिशन लेने के लिए फिर कुछ भी करने के लिए उस टाइम पर आप लोग स्कैम करने की कोशिश करता है जैसे इस बार आईपी यूनिवर्सिटी ने क्या इस बार यूनिवर्सिटी ऑफलाइन राउंड करा रहा है और ऑफलाइन राउंड सिक्यूरिटी के बच्चों का करा रहा है इन राउंड के अंदर ना बच्चों को ऑप्शन दिए जा रहे थे जैसे कि मैंने आप लोगों को एक सीक्रेट वाली वीडियो में बताया भी था कि आईपीओसी का डार्क सीक्रेट है कि आईपीन ओसी आप लोगों को ऑप्शन देगा ठीक है आईपीनओसी आप लोगों को ये नहीं बोलेगा कि आपकी क्या चॉइस है आपको कौन से कॉलेजेस चाहिए आईपी यूनिवर्सिटी डायरेक्टली आप लोगों को कुछ ऑप्शन देगा कि ये आपके पास चार कॉलेज हैं पांच कॉलेज हैं कि आपके पास दस कॉलेजेस हैं आप इनमें से कोई एक कॉलेज चूज कर लीजिए अब उसके अंदर ना मैक्सिमम कॉलेज मैंने आप लोगों को बताया था कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि मेनली मैं आप लोगों को क्लियर बताता हूँ आउटसाइड दिल्ली वाले हैं आउटसाइड दिल्ली वाले मतलब दिल्ली एनसीआर वाले वो कुछ ऐसे कॉलेजे हैं जो आप लोगों के साथ टोटली स्कैम करने की कोशिश करेंगे पहली बात आईपी यूनिवर्सिटी आप लोगों को वो चिपकाने की कोशिश करता है दूसरी चीज क्या होता है जब आप वो वो कॉलेज कॉलेज जाते हो वाले भी आप लोगों को कहेंगे कुछ ना कुछ करके स्कैम करके आप लोगों को बोलेंगे कि बेटा आप फीस पे कर दो आप ये कर दो वो कर दो और आप लोग जैसे तैसे एडमिशन को ले लेते हैं वहां पर अब जैसे आप लोग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले, ले लेते हैं और जब आप लोग जाते हैं कॉलेज पढ़ाई करने तब आप लोगों को पता चलता है कि यार इस कॉलेज के अंदर ने तो बच्चों ने विड्रॉल ले लिया मैक्सिमम बच्चों ने या फिर जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो भी विड्रॉल लेने वाले हैं या फिर इस कॉलेज के अंदर बच्चों ने एडमिशन लिया ही नहीं है बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करके बताते हैं कि भैया जो आउटसाइड दिल्ली वाली ये कॉलेज है वो कॉलेज है तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं आउटसाइड दिल्ली के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी के और वो मैक्सिमम कॉलेज ना खाली ही पड़े रहते हैं मतलब उनके अंदर आप लोगों को मैं सच बता रहा हूं कि कि भी किसी कोर्स के अंदर दस बच्चे किसी कोर्स के अंदर बीस बच्चे बच्चों ने मुझे कॉल कर करके ये भी बताया कि भैया कॉलेज तो खाली ही पड़ा रहता है यहाँ पर बच्चे आते ही नहीं है मैंने गलती कर दी फीस पे कर दी और बच्चों को ना कॉलेजेस स्कैम कर रहे हैं कि देखो आईपीनवर्सिटी चले जाओ चाहे एप्लीकेशन दे दो तो, कुछ भी कर दो आप लोगों को विड्रॉल तो मिलेगा नहीं सो मैं आप लोगों को अभी भी सजेशन दे रहा हूं कि आज भाई आप लोगों का थर्टियथ है कल लास्ट डेट है इकतीस अक्टूबर तो आप लोग कल तक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं विड्रॉल की अगर किसी कॉलेज ने आप लोगों को फंसा लिया है स्कैम कर लिया। आप सभी अपने छुटकारा दिला सकते हो यूनिवर्सिटी से विड्रोल विड्रॉल के बाद आप को रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा आप लोग अपनी जो तीन साल है क्रिशियल तीन साल है चार साल है आप लोग उनको खराब ना ही करें तो बेटर रहेगा अच्छे से तैयारी करके अगले साल अच्छा कॉलेज ले सकते हैं इन खराब कॉलेजेस के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है और आगे भी आने वाले जो बच्चे होंगे आप लोग उनको भी बता सकते हैं अपने जूनियर्स को बेटा इन कॉलेजेस के अंदर तो एडमिशन गलती से भी मत लेना बाकी मैं तो उनको हर साल ये चीज़ें बता ही देता हूँ कि इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं लेना है अगर आपके साथ भी किसी कॉलेज ने ऐसे स्कैम करने की कोशिश करी या फिर आप भी किसी दिल्ली एनसीआर के ऐसे गंदे से कॉलेज के अंदर पड़े हुए हैं या फिर वहाँ पर पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताएं अपने जूनियर्स को इस बारे में इन्फॉर्मेशन जरूर दें नीचे कमेंट जरूर करना मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में अभी लेते नहीं धन्यवाद